सबसे पहले मैं पोंगसा स्टूडेंट्स यूनियन को धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार पोंगसा आ पहुंचा हूं। पहले समय मैं वाका भी आप वाका गए थे, बाकी लोंगडिंग तो पहले आ पहुंचा था, लेकिन यहां तक तो मैं पहुंच नहीं पाया था। पहले ऊपर से प्लेन से उड़के देखने से बहुत सुंदर दिखाई देता है ये जगह, और विकास काम में बहुत अच्छा किया जैसा ऊपर से दिखाई देता है। आज मैं यहाँ जमीन में जमीनी हकीकत में आके देखा हूं तो अलग से दिखाई दे रहा हूं। साथ ही साथ मैं आप सबको क्रिसमस का ग्रीटिंग्स देता हूं, न्यू ईयर का ग्रीटिंग्स प्रदान करता हूं, और ईसा मसीह से प्रार्थना करता हूं हम सबको अच्छा करें, हमारे श्वास के लिए ईसा मसीह हम सबको प्यार करें और अच्छा करें। इसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री रह चुका हूँ। मैं जब शिक्षा मंत्री था, मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम पे मैं उस समय का माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एमएचआरटी मंत्री कपिल सिब्बल जी से हमने गुजारिश किया था कि एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम पर मॉडल डिग्री कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, तो हमने लोंगडिंग का नाम भी लिया हुआ था। ये मेरा चुनाव का 2014 का मैनिफेस्टो में भी मैं लिखा हुआ था, तो लोंगडिंग में जो लोंगडिंग का मॉडल डिग्री कॉलेज, क्योंकि मैं जगह का नाम नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट का नाम लोंगडिंग बोल के दिया हुआ, तो अभी सुनने में आया कानूबारी में बन रहा है, लेकिन उसको अच्छा जगह में बनाना चाहिए। मैं कानूबारी कारा भाई नहीं बोल रहा हूँ, वहां बन रहा है तू भी जमीन से ही होना है और अच्छा से कॉलेज को बनना है, क्योंकि मैं उस समय 8 कॉलेजेस लाया गया था, तो 8 में से मैं लोंगडिंग को एक दे दिया, तो बाकी कॉलेजेस शुरू हो चुका है। आज आके मैं सुना हूँ लोंगडिंग का शुरू नहीं किया, अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि उसका जो कॉन्टेम्पोररी में लाया गया कॉलेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यहाँ का कैसे लेट हो गया मुझे आश्चर्य लग रहा है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। खासकर यहाँ के स्टूडेंट्स पब्लिक सब मिलके ये कॉलेज को अच्छा बनाना है, क्योंकि उसको लाने में हमने इतना तकलीफ जला है, केंद्र के साथ इतना पेशकस किया है, यहाँ का बारे में हमारा हुआ एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हमें और कॉलेज चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में हमारे बच्चे फिर वहाँ जा नहीं पाता है, पैसा का कारण से, पैसा का कमी का कारण से हमारे माता पिताजी सब तकलीफ में है, फाइनेंशियली ले नहीं पाता है अपने बच्चों को, इसीलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होना चाहिए बोल के हमने ये डिस्ट्रिक्ट का मॉडल डिग्री कॉलेज लाया गया था। तो ये मेरा सपना, आप सबका भी सपना है, इसको अच्छी तरह पूरी करना है। साथ ही साथ आप जानते हैं, जब मैं शिक्षा मंत्री था, हमने क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं खुद नेपाल समय से पढ़ के आया हूँ, अरुणाचल समय तक पढ़ाई किया हूँ, तो हम लोग का समय में हम लोग टेक्स्ट बुक खरीद के पढ़ते थे,
क्योंकि कहीं भी थोड़ा सब्सिडाइज रेट में हम लोग को रहे थे, लेकिन फ्री में नहीं मिलता था। तो मुझे मालूम हूँ, क्योंकि मैं भी बस्ती से और गांव से आने वाला बेटा हूँ। आई केम अप फ्रॉम दैट स्क्रैच, मुझे पता है गरीब कैसे होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हो, मेरा शिक्षा मंत्री का समय में 1 से लेकर क्लास 12 तक टेक्स्ट बुक को हमने फ्री कर दिया। और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन एक्ट 2010 असेंबली में पारित किया गया, इसका तहत एनसीईआरटी बुक को हमने परमानेंट कर दिया। मंत्री आएगा जाएगा, सरकार बदलेगी, लेकिन किताब नहीं बदलेगा। और दिल्ली में जाके एनसीईआरटी किताब को हमने अपनाया और अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन एक्ट में हमने इसको डलवा दिया कि सरकार आएगी जाएगी, मंत्री आएगा जाएगा, लेकिन किताब नहीं जाएगा। इसलिए मैं आज पावर में नहीं हूँ, लेकिन 9.5 साल हो चुका है एनसीईआरटी बुक अरे स्कूल में अभी लाखों है। इसको बदलना मुश्किल है, क्योंकि बदलने के लिए असेंबली जाना पड़ेगा। हमारा पेट के लिए कौन असेंबली हल्ला करेगा? हमने तो सबके लिए हल्ला करके लाया, तो इसीलिए अभी कम पैसा में हम सबको फ्री किताब मिल रहा है, हम सबको अवेलेबल किताब मिल रहा है। तो साथ ही साथ हमने देखा, जब मैं मंत्री बना लास्ट 10 ईयर्स में, मैं 2009 में मंत्री बना था, उसका लास्ट 10 ईयर्स से बच्चों का स्टाइपेंड का बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, मतलब स्टाइपेंड का एनहेंसमेंट नहीं हो रहा था। हमने तुरंत मीटिंग बुला के प्रॉपरली हमने स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया। बाहर में जो पढ़ते हैं उसके लिए भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, और यहाँ अपने अरुणाचल प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ते हैं उनके लिए भी हमने बढ़ा दिया गया। और हर एक स्कूल में जहाँ जहाँ अपना गांव गांव में हर सेकेंडरी में पढ़ते हैं उन सब के लिए भी हमने स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ स्टाइपेंड को हम स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का नाम में नहीं भेजा गया, हमने कंप्यूटराइज आप सबका स्टूडेंट्स का अकाउंट में डलवाने का काम कर दिया गया। इसका बाद स्टाइपेंड में लापरवाही गड़बड़ नहीं हो रहा। तो यह सब हम एजुकेशन सेक्टर को सुधारने में काम किया, और 8 कॉलेजेस सेंटर से एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम पे लाया गया। और सिर्फ अभी लॉन्गडिंग का बाकी है, बाकी का सब स्थापना हो चुका है, क्लासेस चल रहा है। और साथ ही साथ एक लॉ कॉलेज हमने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में 2009 में स्थापना किया, जोटे लॉ कॉलेज। मेरा समय में ही हमने ये करवा दिया। फिर 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज असेंबली में पास करके लगवा दिया, और एक स्टेट यूनिवर्सिटी पासीघाट में 2012 में असेंबली में पास करके हम लोग ने लगवा दिया। इसलिए लगाया क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा बाहर जाना पड़ते थे, और हमेशा बाहर जाना पड़ता है क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का इंटेक कैपेसिटी जो है बहुत कम है। कॉलेजेस पास करके डिस्ट्रिक्ट से वहां जाते हैं तो आधा हिस्सा को एडमिशन लेता है, बाकी को नहीं लेता है। वो आधा जो बचा हुआ क्या करता है, माँ पिताजी को तंग करते हैं, हमारा दोस्त बाहर चला गया, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, कर्नाटका जाऊंगा, शिलोंग में पढ़ूंगा, गुवाहाटी पढ़ूंगा, बोल के माँ पिताजी को तंग करते थे। तो इसी लिहाज से हमने अपना ही दौर में, अपना ही डिस्ट्रिक्ट में, अपना ही प्रदेश में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हमने ज्यादा ला दिया गया, ताकि हमारे यहाँ का बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, अच्छा पढ़े और अच्छा आदमी बने। क्योंकि आज आप सब जानते हैं, सबसे पहली बात यही है कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोजगार। अभी यूथ लोग को अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, इसको दूर करना जरूरी है।
मैं सोचा था यहाँ ग्राउंड बहुत बढ़िया होगा, स्टूडेंट जो मैं शासन लोग ने मुझे फोन किया गया, तो मैं सोचा था हम ऐसा फील्ड में सीरियस बनने जा रहा हूँ कि बढ़िया होगा एकदम बहुत बड़ा फील्ड में, लेकिन यहाँ आज देखा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरा ख्याल से ये बहुत कम से कम अच्छा भविष्य में प्ले फील्ड यानी कि प्ले ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अगर भविष्य में मैं आज उम्मीदवार का रूप में नहीं एक पंचाओं का एक वांचु भाई का हिसाब से मैं आया है, आके मेरा आंसू से पानी निकल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कंडीशन में है और गेस्ट हाउस भी कम से कम रिपेयर चाहिए था, इतना वर्स कंडीशन में है, क्योंकि ये इतना प्राकृतिक सुंदरता है, ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है, टूरिस्ट होप्स है, और हमारे जो वन शुड ट्राई जो करेजियस हिम्मत डर और इतना हमारे जो अंग्रेजी को लड़ाई लड़ी सेक्रीफाइस किया लोंगडिंग से तिरप से चांगलांग से खासकर फोंगसा गांव से कितना लड़ाई लड़ा फ्रीडम मोमेंट में, बहुत लोगों ने भाग ली और गुजर भी गए और सेक्रीफाइस भी हुआ है, लेकिन ऐसा नामी गांव जहां इतना मात्रा में पॉपुलेशन है एक पील तो सही नहीं होना, ये सही नहीं मेरा ख्याल से। अगर मैं भविष्य में बाई चांस क्योंकि ऊपर वाला का बात है एमपी बन जाता है तो पार्स यही मेरा एमपी पान गिरेगा, ये फील को सुंदर करने में गेस्ट हाउस को सर्किट हाउस को सुंदर करने में पार्स मेरा एमपी पान यही गिरेगा, उसका बात दूसरों को देखेगा। तो ये मेरा अपील है, सोच विचार है, आप दोनों क्या सोचता है, यहाँ के लोग क्या सोचता है, मैं तो आप सबको ऑनर करते हुए बात कर रहा हूँ। और मैं जो भी मैं शिक्षा मंत्री का समय में भी हमने बहुत कुछ किया, क्या मतलब हम घर घर में डेवलपमेंट नहीं पहुँचाया लेकिन बच्चों को मदद किया ना, हर एक बच्चों का अरुणाचल प्रदेश का बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दिया, क्लास वन से एट तक सेम यूनिफॉर्म ड्रेस, चाहे डीसी का बेटा हो मंत्री का बेटा हो किसान का बेटा हो एक ही क्लास में हो तो एक ही स्कूल में हो तो सेम यूनिफॉर्म हमने एजुकेशन एक्ट में डालवा दिया। तो इसका चलते पूरे अरुणाचल प्रदेश में 2010 का बाद सेम यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस बराबर है, पहले डीसी का बच्चा बहुत सुंदर पहनते थे और हमारे किसान बच्चा थोड़ा पटावटा कपड़ा पहनते थे, अभी बराबर हो गया, क्योंकि बराबर होने से पढ़ाई भी अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा तो उन लोग भी किसान का बेटा भी ऑफिसर बनेगा। और मैं खास कर नई पीढ़ी से स्टूडेंट्स लोग से मेरा अपील है कि ड्रग मैनेज को आप लोग थोड़ा देखिए और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा गौर देना जरूरी है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना जरूरी है, इसीलिए हमने बहुत कॉलेजेस और स्कूल खुलवा दिया, हमने एसएसए का तहत इतना स्कूल दे दिया और नौकरी भी उन लोग को बहुत दिया था, हर एक गौर से तो नहीं दे गौर का अनएम्प्लॉयड यूथ को तो दे नहीं पाएगा, लेकिन मेरा समय में हमने पेज वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइज भी कर दिया गया था और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल चांस यूथ को दिया गया था। और हम लोग का अभी मेन चैलेंजेस है क्योंकि यूथ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, डिग्री लेके बैठा है, बीए में डिग्री हैज बिकम डिग्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी इंजीनियर डिग्री काम का नहीं हो रहा है, डॉक्टर डिग्री काम का नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, ये लड़कों का गलती नहीं, ये बच्चों का गलती नहीं, ये स्टूडेंट्स का गलती नहीं, ये जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं उसका गलती है, ये हमारी सरकार का गलती है, तो इसको हम लोग सोच विचार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ
इसलिए कि यह वॉलीबॉल मैच है। वॉलीबॉल मैच में आप सबका जो प्रदर्शन खेल को देखने के लिए आनंद लेने के लिए मैं आ पहुंचा हूं। और खेल में ऐसे होता है, खेल कूद में इन एनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स विनिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज द पार्टिसिपेशन। आप खेल में जीत लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पार्टिसिपेशन, भाग लेना जरूरी है। अगर आप भाग लोगे, आप आपका अपना जो काबिलियत कैपेबिलिटी एसेस कर पाएंगे। मैं कर सकता हूँ, वॉलीबॉल मार सकता हूँ, फुटबॉल मार सकता हूँ, हॉकी खेल सकता हूँ, हम दौड़ सकता है, इस टाइप का आपका मैं तोरा पैर पिसलने से हाथ पिसलने से मेरा एक वो खेल मिस हो गया। तो आप अपना कमजोरी को एसेस कर पाएगा, समझ पाएगा और जो आने वाला जो खेल को आप बेटर प्रदर्शन कर पाएगा। इसलिए उन बच्चों को, खासकर स्टूडेंट्स यूनियन को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। कीप अप द स्पिरिट्स एंड टेम्पो, ऐसा करते रहिए, हमेशा हम लोग का आशीर्वाद रहेगा।